अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राशिद अली, अपने चैनल का नाम आपकी फ़िज़िक्स। आज जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है स्कोप ऑफ फिज़िक्स का, और स्कोप ऑफ फिज़िक्स जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख ले। अब देखिए इसमें सबसे पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं किसको, व्हाट इज़ फिज़िक्स को। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिज़िक्स। अब देखें इसके लिए आइंस्टाइन क्या कहता है कि आइंस्टाइन सेट मास एंड एनर्जी बोध आर इंटरचेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज। हाउ किस तरह से। अब देखें इसके लिए अपने पास दो टर्म्स हैं, कौन कौन से। नंबर 1 है पेयर प्रोडक्शन और नंबर 2 है एनहेलिएशन ऑफ मैटर। अब देखें पहला जो टर्म है वो है पेयर प्रोडक्शन। अब देखें इसमें पेयर प्रोडक्शन किसको कहते हैं। पेयर प्रोडक्शन हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रिएशन ऑफ मास ऑफ मैटर फ्रॉम एनर्जी। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रोसेस इन विच क्रिएशन ऑफ मास फ्रॉम एनर्जी इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। अब देखें क्रिएशन ऑफ मास फ्रॉम एनर्जी इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। अब किस तरह से देखें, सपोज टू बी हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, मगर इसको हम कहते हैं, मानते हैं कि ये हैवी न्यूक्लियस है। अब इस हैवी न्यूक्लियस के ऊपर हम गामा फोटान को एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी। तो इस एनर्जी को जब इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में, एक तो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें इलेक्ट्रॉन में, और दूसरी यानी कि प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये जो हैं एक्चुअली दोनों पार्टिकल्स हैं। ये क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मास है, मैटर है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, दिस इज़ अ पॉजिट्रॉन, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन और इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ओके, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। ओके, अब आते हैं पेयर प्रोडक्शन की बात। ये क्या है, एनर्जी, तो हमें क्या मिला, मास। ओके, एनर्जी मास। अब क्या करते हैं हम कि पेयर प्रोडक्शन के बाद, यहाँ तक नोट कर लें। ओके, अब पेयर प्रोडक्शन की बात आते हैं हम एनिहिलेशन ऑफ प्रोसेस। नंबर 2, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। अब इसको हम क्या कहते हैं, एनिहिलेशन ऑफ मैटर इसको हम कहते हैं कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इसको हम कहते हैं, इस कॉल्ड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। अब इसमें क्या होता है कि पेयर प्रोडक्शन में जो हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले हैं इनको हम आपस में क्लोज़र टू ईच अदर। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, जब ये क्लोज़र आएंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, उसकी जो रेंज है वो एक्सरे रेंज में आते हैं। तो हमें क्या मिलेंगे, दो हमारे पास गामा फोटॉन्स मिलेंगे। ये हैं गामा फोटॉन्स, हमें क्या मिलेंगे, गामा फोटॉन्स। अब ये क्या है, एक्चुअली दिस इज़ द एनर्जी। एनर्जी
फ्रॉम द मैटर, ओके, मास एंड मास वास फ्रॉम द एनर्जी, बोथ आर इंटरचेंजेबल. इसलिए हम कहते हैं द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, इसको कहते हैं हम फिजिक्स. ओके, अब एक क्वेश्चन है, इसको किस तरह से समझते हैं, देखें. अब इस तरह से कि यहां लिखते हैं हम, हाउ मच एनर्जी पजेस बाय 1 kg, ओके, 1 kg मास, हाउ मच एनर्जी पजेस बाय 1 kg मास. अच्छा, ये इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ मच एनर्जी पजेस बाय 2 kg मास, 3 kg मास और 4 kg मास. अब देखिए, इसमें हमारे पास जो मास है वो है 1 kg, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और ये कांस्टेंट है. ओके, तो ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की ये इक्वेशन है. इसको हम यूज़ करते हुए E इज इक्वल टू मास कितना है 1 kg, ओके, और C कितना है 3 × 10⁸, ये होल स्क्वायर, तो एनर्जी हो जाएगी 9 × 10⁻¹⁶ जूल. 1 kg मास पजेस 9 × 10⁻¹⁶ जोल, यानी हम कहते हैं एनर्जी, ओके, इतनी एनर्जी पजेस करेंगे. 2 kg, 2 रखें. अब उसके बाद आते हैं हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पे, ओके, आई हैव टू रिमूव इट. अब देखें इसमें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ओके, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स, एक्चुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स. सबसे पहले मैकेनिक्स क्या है, मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, मोशन ऑफ बॉडी अंडर द गिवन फोर्सेस, मोशन ऑफ बॉडीज विद आर विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स, इसका मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स की दो मेजर जो हैं वो ब्रांचेज हैं, जैसे हम बेसिक में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, मगर यहाँ हम पढ़ते हैं आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. ओके, अब इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स, अब इसमें देखें क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 1700 AD टू 1890, ओके, 1890. अब इसमें देखें क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, स्टडी अबाउट एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो हम इसको कहते हैं क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स. अच्छा, दूसरी डेफिनेशन ये है, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेस देन स्पीड ऑफ लाइट. लाइट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, लाइट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम इसको, क्लासिकल मैकेनिक्स. जो ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द हैं, सेलेस्टिशियल ऑब्जेक्ट्स, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, बिग बॉडीज, वास्ट बॉडीज, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं इनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं. इनकी जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से. जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे कम हो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड, तो हम उनको कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स का वैसे फादर जो है वो फर्स्ट तो हमें देना चाहिए गैलीलियो को, और सेकंड पे न्यूटन इन मैकेनिक्स हम कहते हैं, न्यूटन इज़ द फादर ऑफ मैकेनिक्स. ओके, अब आते हैं हम क्वांटम फिजिक्स पे. ओके, अब आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद आते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, अब इसमें देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में
क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड ब्रांच, यह है सेकंड ब्रांच। अब क्वांटम मैकेनिक्स में देखिए, स्टडी अबाउट द एटम्स आइंस मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉट मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज, नाउ हियर इज अ माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो हम इसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कंपेयर टू द, यहाँ होगी इज कंपेयर, इज कंपेयर, इज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। सो 1890 AD टू स्टिल प्रेजेंट, तो 1890 से लेकर अभी तक जो भी प्रेजेंट काम हो रहा है तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में पहचाना जाता है। अब देखें इसमें द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो हम इसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। स्टडी अबाउट द एटम्स आइंस मॉलिक्यूल्स हैविंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, हम ऐसा कहें स्टडी अबाउट द मिनट पार्टिकल, मिनट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स, स्टडी अबाउट द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो हम उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब आते हैं तीसरी ब्रांच पे, यहाँ तक नोट कर लें। ओके, अब तीसरी ब्रांच में आते हैं एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स क्या है, एटॉमिक फिजिक्स, अब एटॉमिक फिजिक्स किसको कहते हैं, देखिए कम वक्त में ज़्यादा ब्रांचेस बताने की कोशिश करूँगा। एटॉमिक फिजिक्स देखें, इसको अगर यहाँ तक तोड़ लें तो ये हो जाएगा एटम, यानी हम कहें कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। ओके, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, हम उसको कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स के बाद आते हैं हम नंबर 4 पे, चलो जो भी जहन में हमें डेफिनेशंस आ रही हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हम किसको कहते हैं, देखें न्यूक्लियर फिजिक्स ये जो हमें नज़र आ रहा है टर्म, इसमें सिमिलरली स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एंड देयर इंटरनल एंड देयर इंटरनल इंटरनल चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके, तो हम इसको कहते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स, स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस एंड देयर इंटरनल चेंजेस एंड देयर रिएक्शंस, तो हम इसको कहेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। जिस तरह से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिकली इसमें न्यूक्लियर यानी उसको हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स, यहाँ तक नोट कर लें, नंबर 4 के बाद आते हैं हम, नंबर फोर के बाद आते हैं 5 पे मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अब मॉलिक्यूलर फिजिक्स क्या है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स हम कहते हैं स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स स्टडी अबाउट द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका मॉलिक्यूलर फिजिक्स। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक,
इसको हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन सिक्स पे, मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बाद। हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बाद हम आते हैं नंबर सिक्स पे, हम ऐसा कहें अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स ओके, अकाउस्टिक्स क्या है? अकाउस्टिक्स एक्चुअली हम कहते हैं कि इसमें प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। हम कहते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं अकाउस्टिक्स। अच्छा, इसकी अगर डिटेल जाननी हो तो मेरा 8th चैप्टर पहले से अपलोड किया हुआ है, वो देख लें, आप लोगों को पता चल गया चल जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया है साउंड क्या है। ठीक है, अब देखें प्रोडक्शन, स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड, साउंड की स्टडी को हम कहते हैं अकाउस्टिक्स। अच्छा, उसके बाद है हम ऐसा कहें कि ऑप्टिक्स। ओके, ऑप्टिक्स किसको कहते हैं हम? ओके, यहाँ तक नोट कर लें, ऑप्टिक्स। नंबर 7 पे आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम स्टडी अबाउट द लेंसेस एंड मिरर्स। ठीक है, लेंसेस और मिरर्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है ना, अब इसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, वॉट्स एवर जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक, और जो डेफिनेशंस हैं जैसे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ठीक है, इनकी डेफिनेशन, हाइड्रोडायनेमिक्स, और देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इस रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो स्टैटिक्स, स्टैटिकोस वर्ड से लिया हुआ है, विच मीन्स ऑब्जेक्ट, स्टैटिकोस इट मीन्स एट रेस्ट, सो इफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। सो ये भी ब्रांचेज हैं, बहुत सी ब्रांचेज हैं, अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहें कि 150 से भी ज़्यादा हो जाएंगी ब्रांचेस। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक ये ब्रांचेस इनफ हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगले किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।